नमस्ते, मैं हुमानव, आप देख रहे हैं जनता शो। देश में नागरिकता संशोधन एक्ट लागू हो गया है, लेकिन भारत में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। बस इसी बात को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूं तो ये जो मसला है ये हमारा घरेलू है, जिसमें किसी भी बाहरी देश को बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी मलेशिया ने हमारे अंदरूनी मैटर पर बोलने की कोशिश की तो भारत सरकार ने भी जवाब देकर उसका इलाज बांधने में कोई कोरो कसर बाकी नहीं छोड़ी। आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए पूरा मामला समझना बेहद ज़रूरी है। तारीख थी 20 दिसंबर और दिन था शुक्रवार। इस दिन क्वालालंपुर शिखर सम्मेलन में मीडिया सेंटर का दौरा करने के बाद मलेशिया के जो पीएम हैं महातीर मोहम्मद, उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाले भारत देश को देखकर उन्हें दुख होता है कि वो अब कुछ मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने के लिए कदम उठा रहा है। इससे सारे में अफरा तफरी की स्थिति पैदा होगी, जो कि बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बयान चूंकि किसी दूसरे देश के पीएम का आया था, इसलिए उनको जवाब देना बनता भी था। इसलिए विदेश मंत्रालय फौरन एक्टिव हुआ और साफ साफ शब्दों में मलेशिया को कह दिया गया कि देखे साहब, हमारे अंदरूनी मसलों में किसी बाहरी को टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। विदेश मंत्रालय ने महातीर के बयान को तथ्यात्मक रूप से भी गलत बताया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की स्थिति प्रभावित नहीं होती है और ना ही कोई भारतीय नागरिकता से वंचित होता है। इसीलिए मलेशियाई प्रधानमंत्री की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, ये सब विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। वैसे महातीर मोहम्मद का ये पहला भारत विरोधी बयान नहीं है। इससे पहले आर्टिकल 370 के मसले पर भी उन्होंने पाकिस्तान और चीन के सुर में सुर मिलाते हुए इसे बहुत ज़्यादा गलत करार दिया था, जिसके बाद भारतीय व्यापारियों ने मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल को खरीदने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद महातीर ने झुकते हुए संबंधों को, यानी भारत और मलेशिया के संबंधों को अच्छे ढंग से चलाने की बात कही थी। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने बिना मतलब में ही भारत के उस मुद्दे को छेड़ दिया जो भारत का घरेलू मसला है और जिसको भारत सरकार आसानी से हल कर सकती है। अब जिस तरीके से मलेशिया बार बार भारत के खिलाफ आवाज़ें उठा रहा है, भारत के मुद्दों में भसड़ कर रहा है, उसको देखते हुए उम्मीद है कि भारत सरकार मलेशिया के साथ अपने संबंधों की एक बार फिर से समीक्षा करेगी। बाकी आप क्या इस बारे में सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। फॉलो का ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे तो फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे थे मोंटू और मेरा नाम है मानव। वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।